कोटा जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा जिले में करवाए जा रहे परिचय अभ्यास के तहत रविवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। सुल्तानपुर कस्बे के पुलिस थाने से शुरू हुआ फ्लैग मार्च पूरे सुल्तानपुर कस्बे के गलियों मोहल्ले से होकर गुजरा। सहायक कमांडर मनोज यादव ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों की पालना में रैपिड एक्शन फोर्स 83 वाहिनी के कमांडेंट लीलाधर महारानिया और बी 83 बटालियन के सहायक कमांडेंट के निर्देशन में सुल्तानपुर क्षेत्र में यह परिचय अभ्यास करवाया गया। इससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। सहायक कमांडर ने बताया कि परिचय अभ्यास सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर राजीव पचार के निर्देशन में रैपिड एक्शन फोर्स सुल्तानपुर पदाधिकारी गोपाल सिंह, थानाधिकारी मनोज सिंह सिकरवाल व निरीक्षक राम सहाय यादव के साथ फ्लैग मार्च कर भौगोलिक स्थितियों व कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं की जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि परिचय अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या साक्षर निरक्षर सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील इलाकों तथा बलवायु की सूची तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना व सांप्रदायिक तनाव व दंगा की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत शीघ्र नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने बताया कि दल सदस्यों द्वारा राजनीतिक दलों सामाजिक संगठनों की जानकारी बी 83 बटालियन द्वारा सभी क्षेत्रों का मानचित्र भी बनाया जाएगा, ताकि अप्रिय घटना की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत नियंत्रण के लिए स्थल पर तत्काल पहुंचने की सुविधा हो सके। इसके बाद यहां पर सभी फ्लैग मार्च करते हुए सुल्तानपुर कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे। सभी गलियों और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। उन्होंने बताया कि दल सदस्यों द्वारा अप्रिय घटना की स्थिति पर इस फ्लैग मार्च के माध्यम से और संवेदनशील जानकारी के माध्यम से तुरंत नियंत्रण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स ग्रामीण क्षेत्रों का भी अध्ययन करेगी। सुल्तानपुर कस्बे में फ्लैग मार्च के बाद यहां सीएडी सभागार में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के बीच सुल्तानपुर में वॉलीबॉल मैच प्रतियोगिता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इससे पूर्व सभी एएसपी गोपाल सिंह समेत बटालियन के सहायक कमांडर द्वारा परिचय किया गया। बाद में वॉलीबॉल मैच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्साह के साथ रैपिड एक्शन फोर्स टीम के जवान और राजस्थान पुलिस के जवानों ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस मौके पर एएसपी गोपाल सिंह कानावत ने यहां पर ग्रामीणों को शांति और सौहार्द हमेशा कायम रखने की अपील भी की और मीडिया के माध्यम से संदेश देते हुए कहा कि इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति को शीघ्र नियंत्रण करने की तैयारियों का जायजा लेना है। फेमिलाइजेशन प्रोग्राम परिचयकरण सत्र होता है, ये अपने राजस्थान को स्पेशली पूरे राजस्थान में इमरजेंसी में यही सक्रिय होता है, तो पूरे एरिया से परिचयकरण हो रहा है। उसी संदर्भ में आज सुल्तानपुर कस्बे में टीम आई है। बिरमानिया साहब जो रैप के कमांडेंट है, प्लस हमारे एसपी साहब के कुशल निर्देशन में उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। इसमें फ्लैग मार्च हुआ, प्लस उसके बाद सिविक एक्शंस के तहत पुलिस टीम और सिविलियंस के साथ रैप का वॉलीबॉल मैच जो फ्रेंडली खेला गया। अपील शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील है। आगे चुनाव का माहौल है, शांति बनाए रखें। विभिन्न तरह के त्यौहार आ रहे हैं, उसमें आम जन के भी सहयोग।